से किया था, जब 6 महीने का पीरियड था, उसके बाद तो में जॉब प्रोफाइल क्या क्या है आपका, क्या क्या जॉब करते हैं वहां पे फायरमैन में? फायरमैन में फायर फाइटिंग और फायर मेंटेनेंस का दोनों हम ही देखते हैं। मेंटेनेंस में क्या क्या है अभी आपका एग्जिस्टिंग प्लांट में मेंटेनेंस करने के लिए? मेंटेनेंस करने के लिए सर हाइड्रेंट लाइन है और ये फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर फिर कौन से हैं मेंटेनेंस के लिए? डीसीपी टाइप, एबीसी और CO2। डीसीपी टाइप, एबीसी और CO2। CO2 अच्छा, तो मेंटेनेंस आप किस लेवल पे करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, एनुअली? मंथली मंथली सर। क्या क्या करते हैं, मतलब CO2 का एक एक्सटिंग्विशर का आपको मेंटेनेंस करना है तो क्या क्या करते हैं मंथली उसमें? सर उसमें पहले तो हम जो रिफिलिंग डेट वगैरह देखते हैं, उसके बाद में जी उसके CO2 होज पाइप, उसकी सेफ्टी क्लिप वगैरह है, जो ओपनर है वो सही है, डैमेज तो नहीं है, ये सभी देखते हैं। अच्छा, आपको आइडिया है किस स्टैंडर्ड के तहत मेंटेनेंस किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का? सर स्टैंडर्ड का कोई आइडिया नहीं। और क्या क्या पॉइंट आपको मंथली में चेक करने हैं इसका भी कोई आइडिया नहीं है? कोई चेकलिस्ट है ऐसे ही है? नहीं सर, जो मंथली इंस्पेक्शन होता है उसके साथ में मेंटेनेंस का भी कर लेते नहीं, मेंटेनेंस की कोई चेकलिस्ट है आपके पास में या ऐसे ही करते हैं। नहीं, हो ऐसे ही वर्बली? करते, ऐसे ही करते हैं सर। अच्छा, तो कोई मेजर फायर हुई वहां पे आपके टाइम पे? अच्छा, सर अभी तो मेजर फायर तो कोई हुआ नहीं, अभी 2 दिन पहले एक माइनर फायर हुआ था छोटा सा। क्या हुआ था उसमें? सर कोई हीटर था जिसमें फैब्रिक में प्रिंटेड कपड़ा प्रिंट होने के बाद में उसको सुखाया जाता है, तो उस मशीन में ज्यादा अच्छा, हीटिंग के कारण धुआं वगैरह उठने लग गया था, तो मशीन में तो अभी फिर उसके रीजन क्या रहे हैं उसके ज्यादा हीटिंग के कारण? हीटिंग क्यों हुई, इसका कुछ रीजन क्लियर हुआ, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ उसका, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो तो? हीटिंग हुई है तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, नहीं तो सारे कपड़े हीट हो जाएंगे। हाँ सर। हीटिंग क्या है वो, मतलब मशीन थोड़ा उसमें कपड़ा वपड़ा फंस गया था कहीं से, तो निकल अच्छा नहीं रहा था, तो मशीन थोड़ा जाम हो गया, इस वजह से जाम होने के बाद में हीटिंग हो गई। मतलब लापरवाही की वजह से, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन? हाँ अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट क्लियर है, अनसेफ एक्ट है। अनसेफ कंडीशन के ऊपर तो वीरेंद्र साहब ने काफी लिया है, लेक्चर लिया हुआ अगर आपने अटेंड किया होगा तो। अभी आप हाइड्रेंट लाइन में क्या मेंटेनेंस करते हैं? हाइड्रेंट लाइन में कोई हाइड्रेंट के मतलब लीकेज वगैरह, होज रिल के लीकेज और ये सब। इसका भी कोई स्टैंडर्ड है या ऐसे ही, ये भी ऐसे ही कर रहे हो आप विदाउट स्टैंडर्ड ही? क्लियर नहीं, आपको मंथली मंथली करने जा रहे हो तो क्या देखने जाते हो? एक हाइड्रेंट लाइन को आप इंस्पेक्शन या चेकिंग या टेस्टिंग जो भी मान लो मंथली आप कुछ कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट चेक करते हो? सर जैसे टीपी ब्रांच लगा के उसको ओपन करके देखते हैं, अच्छा, तो अगर उसमें लीकेज वगैरह होता है तो अपन को पता चल जाता है, कोई वाशर का कहीं से भी लीकेज करता है, तो टीपी ब्रांच को बंद कर देते हैं और अच्छा वाल्व मान सारे ले चेंज कर लीकेज देते हैं। लीकेज आ गया तो फिर क्या करते हैं? अगर लीकेज आ रहा है तो उसका वाशर वगैरह चेंज करके देख लेते हैं, अगर वहां से और अंदर से कुछ आ रहा है तो उसको खोल के दूसरे, लेकिन अभी तो तक तो खोलने के ऐसा लिए चार्ज रहती होगी ना लाइन तो आपकी, पानी सर। से चार्ज रहती होगी ना हाइड्रेंट लाइन हाँ तो फिर चालू लाइन में कैसे मेंटेनेंस करते हैं? सर, हमारे यहाँ पे क्या है, वाल्व दिए हुए हैं जगह जगह पे लाइन। जगह जगह पे। अच्छा, हाँ सर। तो मान लिया उसका स्पिंडल निकल गया या स्पिंडल फ्री हो गया, या मान लिया अंदर से जो गैसकेट रहता है अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, तो उसको कैसे मेंटेनेंस करते हैं, कर लेते हो ऑन ग्राउंड? नहीं सर अभी तो उसका कुछ किया नहीं हमने इतना, और या नहीं? इसका तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं। अच्छा, ये बताइए
अगर आप कहीं जा रहे हैं और मान ले फायर फाइटिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या पॉइंट आपको देखने होते हैं इनिशियली? फायर फाइटिंग करना है आपको कहीं, तो हाँ इनिशियली क्या क्या चीज आपको देखनी होती है फायर फाइटिंग स्टार्ट करने से पहले? बोल सर, फायर फाइटिंग स्टार्ट करने से पहले पहले जी। तो देखेंगे भाई किस टाइप का फायर है, किस चीज में फायर हुआ है, कोई मान लिया कोई गैस की लाइन रीजन है, है। हमने दे दिया है गैस की लाइन है, उसमें मान लिया प्रेशर है 10 kg का, मान लीजिए आप कोई फ्लैंज से वहां से लीकेज हुआ है, वहां पे फायर है, फिर क्या क्या देखेंगे? सर वो गैस के बारे में पता करेंगे भाई कौन सा गैस है गैस उसमें। भी बता दे, चलो एनजी है। गैस के लाइन में गैस अफसर वहां पे उस हिसाब से प्रिकॉशन लेके फायर फाइटिंग करते। कुछ इसका आइडिया है, विंड डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ आइडिया है? फायर फाइटिंग के दौरान कुछ विंड डायरेक्शन देखने का कुछ आइडिया है? नहीं ऐसा तो आइडिया नहीं है सर। अच्छा, कहीं भी फायर फाइटिंग के लिए जा रहे हो, सबसे पहले विंड डायरेक्शन देखा जाता है, चाहे वो टॉक्सिक हो या कोई भी, फायर फाइटिंग छोड़ो कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने जा रहे हो, तो वहां पे विंड डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। विंड डायरेक्शन आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो शायद आप ही खुद चपेट में आ जाएंगे, इमरजेंसी हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो बाद की बातें हैं। अच्छा, मान लिया एक लाइन से आपने जैसा बताया, मैंने बताया लाइन से, तो विंड डायरेक्शन चलो आपने नहीं देखा, और क्या क्या है, क्या यूज करोगे उसके ऊपर? एक्सटिंग्विश मीडिया क्या क्या यूज करोगे, क्या प्रोसीजर लोगे? अगर मान लिया 10 kg की लाइन का प्रेशर आ रहा है, उसमें फायर हुई है तो और उसमें गैस फायर के लिए जो बीसीपी यूज करते हैं वो यूज अच्छा, करेंगे। एबीसी से तो फायद, चलो एक से यूज कर लिया, एक से तो नहीं बुझ रही है, फिर मान लिया चार भी यूज कर लिया आपने, चार से भी नहीं बुझी है क्योंकि गैस का फ्लो तेज है, 10 kg का प्रेशर है तो तेज फ्लो है। उसके बाद में तो अगर मेजर फायर होता तो फिर पानी से ही करते हैं। अच्छा, अच्छा शिवू जी, अभी तो जी जी सर अच्छा कंटिन्यू करिए। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ इमरजेंसी प्लानिंग वगैरह कुछ है क्या? क्या सर? जिस जगह पे आप अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इमरजेंसी प्लान है कुछ? नहीं सर ऐसा तो कुछ है नहीं आप। अच्छा, तो अगर कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो कौन आदमी कौन सा काम करेगा ये पता हम लोगों को कहाँ से चलेगा? अच्छा कोई नहीं, एज ए फायरमैन आपको अगर एक सिचुएशन है कि आपके यहाँ कॉटन का बहुत सारा स्टोर रखा हुआ है, वहां पे सर अगर कुछ हॉट वर्क करना है तो हॉट वर्क किस चीज का करने के सर? टाइम एज ए फायरमैन आपका रोल क्या क्या होगा? सर स्टोर किस चीज का? आपका जहाँ कॉटन का यार्ड है वहां पे एक हॉट वर्क करने का सिचुएशन है, उस हाँ सर, सिचुएशन में आप एज ए फायरमैन अगर आपका वहां पे स्टैंड बाई रोल दिया हुआ है तो आप क्या क्या आपका रोल होगा, क्या क्या काम करेंगे? सर जैसे वर्क परमिट आता है तो उसके बाद में हम वहाँ से उसके 3 मीटर के एरिया तक तो मतलब कोई भी ऐसी फ्लेमेबल चीज़ या कोटिंग की जैसी चीज़ को सफाई करवा देंगे, मीटर के एरिया को साफ करवाएंगे, और जैसे फायर एक्टिंग्विशर और फायर की हो रेल वगैरह को भी रखते हैं। तो ये 3 मीटर का एरिया जो साफ करते हैं इसके पीछे कोई कारण है या 3 मीटर से ज्यादा करना चाहिए? नहीं सर ऐसे ज्यादा कर सकते हैं पर मतलब 3 मीटर तो होना ही चाहिए कम से कम। अच्छा, नहीं ये जो आप 3 मीटर कर रहे हैं ये आपके कंपनी का पॉलिसी है या फिर कोई स्टैंडर्ड को आप प्रेफर कर रहे हैं? सर ऐसा कंपनी का कोई पॉलिसी नहीं है। आपके यहाँ इमरजेंसी अगर
इमरजेंसी के बारे में कोई प्लान वगैरह नहीं है। अगर कोई एक छोटा हादसा होता है, छोटा इमरजेंसी, तो उसमें कौन कौन सा लोग शामिल होंगे, और अगर कुछ उससे मीडियम रेंज का इमरजेंसी है तो उसमें कौन कौन सा लोग शामिल होंगे, और एक अगर बड़ा लेवल का है तो उसमें कौन कौन सा लोग शामिल होंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, आपका जो काम है तो आपके यहाँ परमिट टू वर्क, आप बता रहे थे कि अगर कुछ हॉट वर्क करना है तो परमिट टू वर्क है, परमिट कौन इशू करता है? वैसे हमारे यहाँ पे परमिट आता नहीं है, मतलब कोई भी आउट वर्क या कोई कैसा भी वर्क चलता है तो उसका परमिट बनता नहीं, विदाउट परमिट ही काम होता है। जी अरुण साहब, जी, आप विदाउट परमिट काम कर रहे हैं तो आपने कभी ऊपर ये बताया कि परमिट होना चाहिए, हाँ सर बताया सर, तो उसका कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं लिया सर। आपके कौन कौन अधिकारी हैं ऊपर? हम यहाँ पे सिर्फ 3 फायरमैन है, यहाँ कोई फायर ऑफिसर नहीं है, तो हमने इनको तो फायर रिपोर्टिंग ऑफिसर किसको दे दी। किसको है आपकी? हाँ सर, किसको रिपोर्ट करते हो? मान ली शिफ्ट में कोई काम हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, किसको रिपोर्ट करते हो? कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर तो होगा। या तो प्लांट गेट पे या फिर एचआर में, प्लांट गेट पे सिक्योरिटी को या फिर एचआर को? प्लांट 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 हेड को हेड को, प्लांट जी हेड को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देते हो या बीच में कोई हाँ, है? अच्छा, नहीं डायरेक्ट प्लांट हेड को या फिर डायरेक्ट एचआर में। एचआर को। अच्छा, अभी जैसे आपने जो कोर्स किया है, आपका मैं सीवी देख रहा था, ये कितने दिनों का ये डिप्लोमा है? सर 1 ईयर का। अच्छा, उसमें, और अभी आपको काम करते हुए मुझे लगता है कि 2 साल हुआ होगा, हाँ तो आपके जो जब ये पढ़ाई के टाइम में, डिप्लोमा के टाइम में, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया था? डिप्लोमा के टाइम पे तो सर मैंने क्या है, वहाँ से ये कोर्स किया था, वो जैसे अपने बात चलते ग्रुप में, जैसे दुकानें चलाते हैं तो उसी हिसाब से ही था वो, तो इतना अच्छा कॉलेज नहीं था उस टाइम पे। शिवू, आप इंटरव्यू में हैं, इस हिसाब से आंसर दीजिए, इट्स नॉट अ जनरल डिस्कशन। सर वहाँ पे मतलब 8 सब्जेक्ट चलते थे उसमें, जी प्रैक्टिकली से 3 और फर्स्ट एड वगैरह के बारे में आप कुछ मालूम है क्या? फर्स्ट एड का कोर्स किया था मैंने यहीं से, रेड वेरी गुड। क्रॉस से। अब फर्स्ट एड में एक आदमी अनकॉन्शियस हो गया है तो उसको क्या करेंगे? आपका जो फैक्ट्री है वहां पे एक आदमी अनकॉन्शियस हो गया है, तो एज ए फर्स्ट एडर आप क्या करेंगे? कैसे समझ में नहीं है? बेहोश एक आदमी काम कर हो रहा गया था कोई आदमी? आपके कंपनी में, काम कर रहा था, और वो काम करते करते बेहोश हो गया, बेहोश होकर वो जमीन पे गिरा हुआ है, तो अभी एज ए फर्स्ट एडर आपका रोल क्या होगा? आप क्या काम करेंगे? पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? सर पहले तो उसको वहां से जहाँ पे बेहोश हुआ है, बेहोशी वाले स्थान से थोड़ा खुले में लेके आएंगे। उस आदमी खुले में को, लाने के बाद उस आदमी का जो राइट लेग है पूरा फ्रैक्चर हो गया, वो हाइट से गिरा है, आज तो फिर भी उसको मतलब वहीं से खुले में लेके आके, और कितने लेके आएंगे? अच्छा खुले स्थान में लेके आएंगे, थोड़ा मतलब जहाँ पे हवा हवा थोड़ा ठीक तरह से लग रहा तो हो। कैरी कैसे करेंगे उसको? जिस जगह पे गिरा वहां से खुले स्थान तक लाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? वेल, उसका फ्रैक्चर है, ध्यान रखना इसको। पैर फ्रैक्चर है तो सर वैसे कंधे पे डाल के लेके आएंगे सर। ओके, कंटिन्यू कीजिए सर, अरुण साहब। उसके बाद में फिर ले आए वहां पे, फिर उसके बाद में उसके बाद में उसको लिटाएंगे और रिकवरी पोजीशन में लिटा के
उसका पहले देखना भाई, बेहोश है तो उसकी सांस वांस चल रही है या नहीं चल रही। अगर उसकी कैसे सांस चेक वांस चल करते रही हैं? है सर, या तो जैसे हार्ट पे दिल लगा के नाक के पास में दो उंगलियां लगा के चेक कर लेते हैं। बीएफएट की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको? बीएफएट देखा देखा नहीं सर कभी। है? देखा नहीं है तो थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज अगर वहां पढ़ी हो तो, हवा के अंदर कितने परसेंट ऑक्सीजन रहती है, कितने परसेंट नाइट्रोजन रहती है, कुछ आइडिया है? नॉर्मल अपनी एयर है, हवा है वायुमंडल की, उसके अंदर कितने परसेंट एयर, कितने परसेंट नाइट्रोजन रहती है, कुछ आइडिया है इसका? नाइट्रोजन तो सर 79% होता है, और जी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 13%। 13%। ओके और हाँ, दूसरी गैसें तो इसके अलावा? और दूसरी गैसें रहती है CO2 और अन्य गैसें। अन्य गैसों में कोई नाम एक दो? काम नहीं है सर। ओके ठीक है सर, कंक्लूड कीजिए। हाँ, अभी अभी जहाँ आप एज ए फायरमैन काम कर रहे हैं, तो ये आखिरी सवाल है, अगले आने वाले 5 साल में अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, कौन से पोजीशन पे देखना चाहते हैं? आने वाले, अभी तो एज ए फायरमैन काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में हर कोई यही चाहेगा कि मैं एक फायर ऑफिसर की पोस्ट पे काम करूँ, अच्छा प्रोग्रेस करूँ। उसके लिए आपका क्या प्लान है? उसके लिए सर मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से अच्छी कंपनी में, मतलब जैसे इस प्लांट में इतना कुछ सीखने का नहीं है, तो ऐसे प्लांट को ज्वाइन करूँ जहाँ पे अच्छे से अच्छा सीखने को मिले। और ओके थैंक यू शिकु उसके जी, आपका फीडबैक हम लोग लगा आज बाद में देंगे, बात करके अच्छा लगा। आप होल्ड पे हैं होता अभी, है। देखते थैंक यू सर, हैं। ऑल द बेस्ट, और आपको हम लोग बताएंगे। अभी एक और दो लोग और हैं, उनका हम लोग करने के बाद तीनों लोगों का कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं जैसा मैं बताता हूँ, मैं डायरी लेके बैठा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं लिख भी रहा हूँ, और उत्तर का सवाल के हिसाब से। अच्छा, अभी दूसरा जो है, आप अभी अपना माइक बंद कर सकते हैं, मैं नाम बोलता हूँ, उसमें से जो लोग अवेलेबल हैं वो माइक अपना ओपन करके मुझे नाम बताएंगे। रतन सिंह, रतन रत्नाकर सिंह, विपुल वाघेला, किशन कांत, रतन पाल, प्रदीप चौहान और अजीब सिद्धू, इसमें से कोई हैं? जी सर, क्या नाम है सर यस सर, आपका? विपुल वाघेला। सर भूपेंद्र कुमार का हो गया क्या? जी सर, भूपेंद्र जी करेंगे हेलो। अभी, पहले हम लोग एक एक ले रहे हैं। अभी एक फ्रेशर कैटेगरी का लिया है, अभी ये एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको हम लोग एक बार ले रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे, अगर हम लोग के पास ओके समय सर, बचेगा तो पहले आएंगे। जी विपुल बाघेला जी, ये रत्नाकर सिंह नहीं है? जी हेलो। जी सर विपुल वाघेला बात कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? एक मिनट खाली, मुझे चेक करना जी, रत्नाकर सिंह है या नहीं? शायद नहीं है। ओके आपका, मुझे CV खोलने दीजिए। ओके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, अपने बारे में बताइए आप कुछ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी जी सर, मेरा नाम विपुल वाघेला है, मैंने जी 12 कॉम प्लस ITI फायरमैन कॉलेज ऑफ फायर टेक्नोलॉजी GCVT अहमदाबाद से किया हुआ है। उसके बाद मैंने सर फायर एंड सेफ्टी हुआ है, मेरा टोटल एक्सपीरियंस 6 ईयर के प्लस है। मैंने ज्वाइनिंग ट्रेनिंग फायरमैन में किया था ONGC कैम्बे एज अ ट्रेनिंग फायरमैन, एंड उसके बाद फायर ऑपरेटर में ज्वाइन किया था अदानी पेट्रोनेट दहेज पूछ दहेज टू, और वहाँ पे कंप्यूटर और लीडिंग फायरमैन का जो पोस्ट था मेरा। उसके बाद मैंने स्टर्लिंग में भी थोड़ा जॉब किया था लीडिंग फायरमैन में। उसके बाद अभी मैं अनुभा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पलसाना में जॉब कर रहा हूँ अभी। एज ए ऐसे
अनुभा इंडस्ट्रीज पलसाना सूरत एज 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 फायरमैन जॉब कर रहा हूँ सर। एज ए फायरमैन जी। तो अभी एक्चुअली हेलो जी सर, एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे पोस्ट फायरमैन की दिया है, बट अपना लास्ट 8 मंथ से हमारे यहाँ पे ईएचएस मैनेजर कोई है नहीं, और लास्ट 2 ईयर से मैं पूरा मेरा जो फील्ड है ना खाली फायरमैन का क्वालिफी अपना डेजिग्नेशन है, बाकी टोटली काम जो है ईएचएस का ही है जी। कितनी बड़ी टीम है आपकी? टोटल 7 फायरमैन है और दिसंबर में ये देखते हैं वो छोड़ के गए, उसके बाद नए कोई मैनेजर अभी आया नहीं है और अभी वो चार्ज मेरे को देके गए हुए हैं जी। तो क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल है वहाँ पे, क्या क्या देखते हैं आप? जॉब प्रोफाइल के अंदर सर सेफ्टी कमिटी मीटिंग कंडक्ट करना हर मंथ, मंथली ईएचएस परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना एवरी सेकंड तारीख को जो उसको सबको सर्कुलेट करना, पूरा जो प्लांट के हेड है अपने जो प्लांट इंचार्ज है वो डायरेक्टर तक, उसके बाद मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना सेप, और उसके बाद मैनिफेस्ट जनरेट करना फॉर्म 4 और फॉर्म 5 हैजार्डस टू वेस्ट प्रोसीडर, और अपना वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम है हमारा यहाँ पे, और ट्रेनिंग केमिकल हैंडलिंग है, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग है, ईएचएस इंडक्शन ट्रेनिंग है, लॉग आउट टेक आउट लोटस सिस्टम का जो ट्रेनिंग है वो सब ट्रेनिंग करना, जो भी नया कोई अपना ज्वाइन करता है उनको ट्रेनिंग देना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का सबसे ज़्यादा काम है, कोई भी ऑडिट होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, और उसके अलावा रूटीन जो एक्टिविटी है प्लांट की अनसेफेक्ट कंडीशन उसके ऑब्जर्वेशन मेल करना, पीपीटी बनाना, उसके बाद उसके फॉलोअप लेना, परमिट सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमने वो फॉलो हो रहा है कि नहीं उसका ऑडिट करना, बाकी अपना फायर फाइटिंग सिस्टम हेल्थी रहे उसके लिए पूरा मेंटेनेंस का प्लान तैयार करना, और उसके उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो फॉलोअप करना, चेकलिस्ट तो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भरना, और भी बहुत सारे काम है सर। अच्छा आप बता रहे मंथली एक्टिविटी जो आप बता रहे थे उसमें बता रहे थे कि सेफ्टी कमिटी मीटिंग, तो सेफ्टी कमिटी मीटिंग का पर्पस क्या है और आपके यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है और उस सेफ्टी कमिटी मीटिंग का चेयरमैन कौन है आपके यहाँ? ओके सर, सेफ्टी कमिटी मीटिंग के चेयरमैन हमारे जो प्रोडक्शन जीएम है वो है आकाश पात्रा सर, और हमारी कमिटी अगर अपना जो फैक्ट्री रूल और एक्ट के हिसाब से देखे जाए तो 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, बट हमारी जो सेफ्टी कमिटी मीटिंग है ना वो हम हर मंथ करते हैं और उसके एमओएम जो भी है और हर मंथ हम सर्कुलेट करते हैं सर, और उसके अंदर 15% वर्कर और 15% स्टाफ वो हमारा एक सेफ्टी कमिटी मीटिंग के जो मेम्बर है ना उसको हमने इलेक्टेड किया सिलेक्टेड किया हुआ है सर। वेरी गुड। ये किसी स्टैंडर्ड के तहत करते हैं या प्लांट का अपना है? सेफ्टी कमिटी हाँ ये सर एक अपना जो फैक्ट्री रूल है ना उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके यहाँ पे 250 से ज्यादा अगर बंदे हैं तो वहाँ पे आपको 250 एकदम याद नहीं इतना बट वो होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक सेफ्टी कमिटी अपना बनाना पड़ता है और उसका आपको एमओएम है वो सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसको आपको 3 महीने में करना चाहिए बट एक्चुअली हम एक महीने हर मंथ करते हैं सर। एजेंडा क्या रखते हो आप उसका? एजेंडा मीन समझा नहीं, एमओएम तो प्लांट के अंदर एमओएम तो मीटिंग के हो गए, मिनट ऑफ मीटिंग हो गए, ये मिनट में क्या बात हुई, एजेंडा तो कोई डिस्कस होता होगा ना पहले से, ये हम रखेंगे ये नहीं रखेंगे, मान लिया हर महीने कर रहे हो तो उसमें क्या क्या बातें करते हो, क्या एजेंडा रहता है सर उसके अंदर? हाँ प्लांट के अंदर अपना जो सेफ्टी कमिटी मीटिंग करते हैं उसका एजेंडा रहता है कि एमओएम रिव्यू करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो स्टाफ है वर्कर उनसे सजेशन लेना है कि क्या हम और अच्छा कर सकते हैं सेफ्टी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, हेल्थ के अंदर,
उसके अलावा प्लांट के अंदर हम कुछ इंस्पिरेशन या फिर कुछ प्रोग्राम रखना है, कुछ मोटिवेशन प्रोग्राम रखना है, वो सब कर दे सर। ओके ओके, कंटिन्यू करिए फिर। आप बता रहे थे कि हजार्डस वेस्ट का भी डिस्पोजल का जो चीज है वो आप प्रिपेयर करते हैं। यस सर, यस यस। मैंने आपके पास कितने टाइप का हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है? सर हमारे यहाँ पे अपना एम्प्टी कंटेनर है केमिकल ड्रम, और 33.1 जीपीसीबी मैनिफेस्ट का बनाते हैं सर, और उसके ई वेस्ट है, इलेक्ट्रिक वेस्ट है, और अपना स्क्रैप है, और ऑयल वेस्ट भी है। जो ई वेस्ट, जो आप ऑयल वेस्ट है उसका क्या करते हैं फिर? ऑयल वेस्ट सर ऑयल रिसाइकल है, जिसका सीसीए, जिसने अप्रूव जो रिसाइकल होता है, जिसका सीसीए है गवर्नमेंट मान्य, उसका हम उसको रिसाइकल के लिए देते हैं सर। बीच में मैं एक रोक रहा हूँ, नीतीश झा प्लीज आप अपना माइक बंद रखिए, अभी आपकी जरूरत नहीं है। मैं आपका माइक बार बार बंद कर रहा हूँ, आप उसको ऑन मत कीजिए। ओके, वेरी गुड। ई वेस्ट के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे, ई वेस्ट का क्या करते हैं? सर ई वेस्ट भी ऐसा ही है सेम, जो गवर्नमेंट अप्रूव जो ऑथोराइजर लिया हुआ जो ई वेस्ट का जो फॉर्म होता है उनको हम देते हैं, उसका जीपीसीबी मैनिफेस्ट है, उसका सीसीए है, उसके साथ हमने जो कांटेक्ट किया उसका एक लेटर रहता है। वेरी गुड, उसको हम सर ई वेस्ट देते हैं। आप ईएचएस इंडक्शन का बात कर रहे थे, तो ईएचएस इंडक्शन में कोई नए आदमी को, एक विजिटर समझिए, मैं आपके फैसिलिटी में, आपके फैक्ट्री में एज ए विजिटर आ रहा हूं, तो ईएचएस इंडक्शन में आप मुझे क्या क्या बताएंगे? सर एज अ विजिटर इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए हमारे प्लांट के अंदर हम 15-20 मिनट का सर बेसिक हमारा सेशन रहता है, उसके अंदर हम एक पीपीटी बनाया हुआ है, शॉर्ट पीपीटी है, जिसके अंदर प्लांट के अंदर डू डोंट्स, इमरजेंसी, अगर सायरन बजे तो आपको क्या करना है, प्लांट के अंदर आपको क्या सावधानी रखनी है, प्लांट के अंदर बेसिक जो हमारे एजार्ड है उसके रिलेटेड आपको थोड़ा समझाएंगे, और बाकी अगर सायरन बजे तो आपको असेंबली पॉइंट पे कैसे आना है, तो सर हमारा जो विजिटर का है वो अलग रहता है, और जो ज्वाइनिंग करता है उसके लिए 2 आवर का ट्रेनिंग है सर, ईएचएस इंडक्शन ट्रेनिंग, वो भी अलग है सर। ओके, वेरी गुड। आप और इमरजेंसी का क्या बता रहे थे? उसके अंदर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी इनको हम देते हैं सर, वो अपना विजिटर, खाली विजिटर जो रहता है ना उसका 15-20 मिनट का जो सेशन रहता है उसके अंदर। ओके, जो आपके फैक्ट्री है वहां पे 3 मेजर हजार्ड क्या क्या है? सर यहाँ पे सबसे बड़ा एक हैजार्ड है फायर। फायर हैजार्ड है या रिस्क है? हेलो जी विपुल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फायर हैजार्ड है या रिस्क है? सर रिस्क है, बट अगर उसके ऊपर हम नहीं काम करें तो फिर हैजार्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है वो सर। तो हैजार्ड का डिफिनेशन क्या है? हैजर्ड का डेफिनेशन है कोई चीज जिससे अपने को कुछ नुकसान हो, हानि पहुंचा सकती है, उसको हैजर्ड, जो अपने को नुकसान पहुंचा सके उसको हम हैजर्ड बोलते हैं कुछ एक्टिविटी के दौरान। जी अपने को मतलब उसका डेफिनेशन एक्चुअली याद नहीं है इतना। नहीं नहीं, एग्जांपल भी दे देंगे तो चलेगा मुझे, आप एग्जांपल में भी बताएंगे कि सर हजार्ड का मतलब ये होता है और रिस्क का मतलब ये होता है, वो भी चलेगा। ओके सर, हजार्ड का मैं अपना एक जो कटिंग सेट है उसके अंदर, जो कटिंग सेट के अंदर जो घूमता हुआ पार्ट है उसका व्हील होता है वो हजार्ड हो जाएगा सर। अच्छा।
अपना जो कटर होता है ना, कटर को यूज करते हैं, उसकी ब्लेड होती है वो अगर घूम रही है उस टाइम पे, वो चलती हुई ब्लेड है, वो हैजर्ड हो जाएगा सर। ओके अच्छा, दूसरा चीज ये है, हाँ रिस्क का बताइए। रिस्क ये है कि हम अगर 2 मीटर से ऊंचाई पे ज्यादा काम कर रहे हैं तो वहां पे से नीचे गिरने का रिस्क रहता है सर। हाइट वर्क कर रहे हैं तो नीचे गिरना एक रिस्क है सर। और सेम हम काम कर रहे हैं हाइट वर्क पे, सेम एग्जांपल में जो पहले वाला लिया है उसमें रिस्क क्या है? जो कटिंग वाला आपने लिया हुआ था उसके अंदर रिस्क क्या है? उसके अंदर कोई रिस्क है नहीं है? व्हील टूट के हमको लग सकता है सर, वो एक रिस्क है। ओके ओके, आप बता रहे थे कि पीपीई का प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं, तो पीपीई का प्रोक्योरमेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं या कैसे करते हैं? हमारे यहाँ पे सर पीपीई मैट्रिक्स बनाया हुआ है और एसओपी भी है, उसके लिए एचआर ने पीपीई पॉलिसी बनाई हुई है सर। उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लांट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है पीपीई की, 15 डे के अंदर ईयर प्लग देना है, अपना डेली बेसिस पे मास्क देना है, और 1 साल के अंदर सेफ्टी शूज देना है, उसके बाद बाकी जो कुछ होता है यूज मटेरियल उसको भी हम देते हैं, जैसे हैंड ग्लोव्स है, गॉगल्स है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं सर। एग्री बिल्कुल। अभी आपने प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू करके रखा है तो पीपीई का भी कुछ लाइफ साइकिल होता है, वैलिडिटी होता है, कितना दिन के बाद यूज नहीं करना चाहिए? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पे सेफ्टी शूज है 1 ईयर है, उसके बाद अपना जो ईयर प्लग है 15 दिन है, उसके बाद अपना जो अपना हेलमेट है सेफ्टी हेलमेट उसका हमने रखा है 1 साल का, बट अगर वो इनर चेंज हो सकता है तो 2 साल तक भी चला सकता है। 2 साल का रखा है, 1 साल के बाद उसका इनर है जो इनर स्ट्रिप आती है उसको चेंज करते हैं सर। मैं अभी हेलमेट पे आता हूँ, आप बोल रहे हैं कि 1 साल में चेंज करना है, नहीं तो इनर चेंज करके 2 साल तक लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है या कोई लॉजिक है? सर इसके लिए स्टैंडर्ड का तो हेलमेट का जो अपना है उतना नहीं पता है सर, बट जो हमारे सर ने बताया था उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं सर उसको। एक स्टैंडर्ड अभी मैंने आईएस नहीं देखा है हेलमेट का। वेरी गुड। इमरजेंसी प्लान के बारे में कुछ आप बताइएगा सर? हमारे यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बना हुआ है, उसके अंदर हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। हमारे यहाँ पे टोटल अपनी 3 टीम है, फायर फाइटिंग टीम है, उसके बाद फर्स्ट एडर टीम है, उसके बाद एक है एविकेशन टीम। ओके वेरी गुड। आपको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है? सर मेरा फर्स्ट एड का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, बट फर्स्ट एड के बारे में जानता हूँ। अच्छा, परमिट टू वर्क सिस्टम है आपके यहाँ? यस सर, परमिट टू वर्क सिस्टम है। बताइए जरा उसके बारे में सर। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमने टोटल 9 परमिट है, बट इसके अंदर से हमने 6 परमिट ही यूज करते हैं जनरली। वर्केट हाइट है, ऑफवर्ल्ड वर्क है, कन्फाइंड स्पेस है, एक्सकवेशन है, उसके बाद रूफ वर्क है, और हाई टेंशन लाइन है, उसके बाद चलेगा। कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड है जरा बताएंगे? कन्फाइंड स्पेस के अंदर सर अंदर एक टॉक्सिक गैस हो सकता है, कोई फ्लेमेबल गैस हो सकता है, और के बाद अंदर कोई जीव जंतु भी हो सकते हैं, कोई जगह पे अंधेरा इल्यूमिनेशन लेवल भी कम होता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है, और इमरजेंसी गैस टेस्टिंग आपको करना आता है, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग है? सॉरी सर, गैस टेस्टिंग के लिए आपने कुछ ट्रेनिंग किया है या आपको
आपके यहाँ कैसे फॉलो करते हैं गैस टेस्टिंग कन्फाइंड एसेस में कौन करता है सर? गैस टेस्टिंग हम लोग ही करते हैं यहाँ पे, और उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, बट हमारा जो LEL मीटर है उसके अंदर हम H2S है, CO है और ऑक्सीजन है और LEL, वो बेसिक चेक करते हैं पंप। ये चारों चीज का परमिसिबल लिमिट कितना है? परमिशन लिमिट सर जो अपना ये अपना H2S है उसका 5 PPM LEL है और 10 PPM जो उसका है UEL है और 100 PPM IDH इमीडिएट डेंजरस टू हाई हेल्थ एंड लाइफ वो है, और CO का 30 PPM है और ऑक्सीजन का 19.5 to 21% है। LEL मीटर की कोई लिमिटेशंस है? LEL मीटर जो एक्सप्लोजिव मीटर जो कर रहा है तो उसकी कोई लिमिटेशंस है किस वर्किंग किस कंडीशन में काम करेगा किस में नहीं करेगा? और सर ये हमने ऑलरेडी कैलिब्रेशन कराते हैं 6 महीने के अंदर उसका। नहीं कैलिब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। मान लिया किसी पॉइंट पर आपको चेक करना है तो ऐसी कोई लिमिटेशन से इसको चेक कर सकते हैं? नहीं कोई चीज वेरी करती है इसमें? सर हमारे यहाँ पे इतना डेंजरस प्लांट नहीं तो इसके लिए हमने दूसरे गैस मीटर रखे नहीं है, वरना अगर कोई अदर गैस फाउंड होता तो उसके लिए अलग से एक मीटर पॉकेट करना पड़ेगा। बाकी हमारे यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस एक्चुअली कम ही बहुत कम होता है, जैसे कि बॉयलर के अंदर काम करना है तभी हम यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं है सर इतना। LEL तो यूज कर सकते हैं ना, बॉयलर में भी मान लिया कोई गैस निकल रही है, एनजी से बॉयलर चलता होगा, बॉयलर एनजी वाला ही है ना? नहीं नहीं हमारे यहाँ पे इंजन वाला नहीं, कॉल बॉयलर है सर। अच्छा कॉल बॉयलर है। अरुण सर LEL है, LEL मीटर है। अरुण सर हमारे पास 3 मिनट का समय है, ये नहीं तो फिर सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो इनको अभी सब लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, हम लोग ये सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और इनका यहाँ पे कंक्लूड करेंगे सर 2 मिनट में। ठीक है सर, ठीक है मैं क्लियर करता हूँ। आप ये बताइए हम आपको हायर क्यों करें, मान लिया कोई कंपनी आपको हायर क्यों करे, आप जस्टिफाई कीजिए उसको। कंपनी आप कहीं फायर अफसर के लिए जा रहे हैं यार, फायर अफसर के लिए आपको सिलेक्ट क्यों करे वो? सर इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं फुलफिल कर सकता हूँ और उनको लग सकता है कि जो सामने वाला बंदा है कंपनी अगर लगे कि सभी अपना जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो तो ठीक है, हायर क्यों करे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा आपको लेने से? कंपनी को सर एक क्वालिफाइड बंदा मिल सकता है जो मल्टीपर्पज मल्टी टैलेंट काम कर सकता है, कोई भी जैसे अभी फायरमैन के पोस्ट पे भी मैं पूरा EHS का भी काम करता हूँ साथ में, तो उनको एक बेनिफिट ये है कि मल्टीपर्पज मल्टी टैलेंटेड बंदा मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि एज अ फायरमैन एक टाइम पे अगर कोई ऑफिसर भी नहीं रहेगा तो भी संभाल लेगा। ओके जी सर, थैंक यू विपुल, वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन और ऑल द थिंग्स ऑल द पॉजिटिव एंड व्हाट इज द आवर फीडबैक वी विल डू इट। एंड मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से सेशन को ज्वाइन कीजिए सेम लिंक से, क्योंकि अभी ये सेशन हम लोगों ने आज दो सेशन रखा है, आप लोग सब लोग लॉग आउट हो जाइए और फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके सर, थैंक यू, सब लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, अच्छा रहेगा, सब लोग ज्वाइन कीजिए प्लीज, आप लोग एक एक करके निकल जाइए फिर मैं भी निकल के, नहीं तो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाएगा। जी कहाँ जाए?